नमस्कार, जय गुरु। हर एक बार की तरह आज फिर हम एक प्रश्नोत्तर ऑनलाइन सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और हम बहुत सौभाग्यवान हैं कि हर एक बार की तरह इस बार भी हम अपने बीच पूजनीय डॉक्टर बुद्धदेव चक्रवर्ती जी को पाए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं वर्तमान परिस्थिति जो है समाज का, एक समय था भारतवर्ष में जब कहा जाता था लोगों के पास विद्या नहीं है, बहुत सारे कुसंस्कार पलते थे दिलो दिमाग में, तो उसको हटाने के लिए कहा गया कि सभी को शिक्षा देने का बहुत आवश्यक है। व्यापक परिमाण से स्कूल कॉलेज ये सब का निर्माण हुआ, घर घर में लोग पढ़ने लिखने लगे और 70-80 साल के अंदर देखा जा रहा है कि लिटरेसी रेट इंडिया का काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। लेकिन हम जिस समस्या समाधान का बात करते थे वो चीज़ अभी तक नहीं हो पा रहा है। देखा जा रहा है लोग जितने विद्वान हो रहे हैं, जितने डिग्रीधारी बन रहे हैं, वो दिन दिन अपने कल्चर के प्रति, अपने ट्रेडिशन के प्रति, भारतवर्ष का जो एक इतिहास था, सुनहरा इतिहास था, उसका उसके प्रति एक एक अवमानना का सृष्टि हुआ है दिलो दिमाग में। उन चीज़ को मानने का कोई मकसद नहीं रह रहा है, वो चीज़ को अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक एक बहुत रिजेक्शन जैसा एक मेंटालिटी बन चुका है। तो मेरा सवाल डॉक्टर साहब से यही होगा कि जिस शिक्षा की हम लोग बात कर रहे थे और इतना खर्च करके सरकार अपने इतने खर्च करके इतना शिक्षा का जो ये किया गया प्रयास, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाया, तो इसका आप क्या जवाब देंगे? जय गुरु। पहला नंबर, हमको हिंदी उतना अच्छे से हम नहीं कर पाते हैं, इतना गरिमामयी भाषा है, उनका एक तो बहुत बड़ा सम्मान है, तो गलत सलत हिंदी कहना ठीक नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हम कोई सीखे भी नहीं है, इसीलिए जो चाहते हैं जो उसे आता है उसे ही कहना पड़ेगा। दूसरा बात है, हिंदी जगत में बहुत बड़ा बड़ा दिग्गज पंडित है, जो लोग सब वीडियो वीडियो देखते रहते हैं या वीडियो करते भी रहते हैं, हम देखे एक आध, तो उन लोग को सामने हमारा प्रयास क्या हो पता नहीं कैसा होगा, तब भी जब हमको उन्नत किया गया है, हम जैसा समझते हैं हम दो चार बात कहते हैं, लेकिन जो भी कुछ कहते हैं शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो दृष्टिकोण है, उनसे जो शिक्षा हम लोग को मिला है उसी का संदर्भ में कहते हैं। पूरा चीज़ को कहना संभव नहीं है, समय बहुत ही संक्षिप्त है, अगर ज़रूरत पड़ेगा बाद में फिर एक तीन एपिसोड किया जा सकता है, हम जितना अभी संभव है कराने का कोशिश कर रहे हैं। एक प्रश्न जो किया गया उसमें किया गया, जो हम लोग का जो अपना कुसंस्कार पल रहा है, वो शिक्षा अपना जो शिक्षा था उसको हम लोग छोड़ दिए हैं, बाहर का शिक्षा ले रहे हैं, जो हमारा जो कल्चर है एंशिएंट उसके प्रति अवमानना है, हम लोग लगता है थोड़ा सा डिटैच हो गए उससे। ऐसा क्या है, कारण क्या है? सरकार बहुत पैसा खर्चा कर रहा है शिक्षा के बारे में, लिटरेसी रेट बढ़ गया बहुत, तो सबका प्रश्न है, उत्तर भी है। हम लोग के साथ मुश्किल क्या है, हम लोग उत्तर नहीं खोजते हैं। शिशि ठाकुर जी का किताब में, लिटरेचर में, ग्रंथावली में सब कुछ कहा गया है, डिटेल डिटेल एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में बहुत ही डिटेल में कुछ कहा गया है विद एग्जांपल्स। हम लोग का है क्या, हम लोग का पुराना चीज है, ट्रेजर इंडियन कल्चर में भी जो है, वेद पुराण उपनिषद, बड़ा बड़ा शिक्षक शिक्षा गुरु पहले का जो है, उन लोग को हम लोग देखते नहीं है, डिस्कार्ड कर दिए। डिस्कार्ड करके तो रहा नहीं गया ना, लोग को डिस्कार्ड किया लेकिन कुछ तो लिया है ना, हम लोग का कल्चर डिस्कार्ड कर दिया, बिना कल्चर का नहीं रह गया, तो बाहर का कल्चर ले लिए हैं हम लोग, हमारा फैमिली में, हमारा कल्चर में, हमारा डेली प्रैक्टिस में, हमारा पोशाक आशाक में बाहर का कल्चर झलक रहा है, इससे प्रमाण होता है जो हम लोग को कुछ एक तो लेके रहना पड़ेगा। हम लोग अपना कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उन लोग का कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे,
जैसे 1,000, 5,000, 10,000 साल के पिताजी कहा जा रहा है वो हम लोग फ्यू ईयर्स उसको छोड़ दिए डैडी करने लगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, हमारा जो अपना चीज है उसको हम ठीक से पकड़े नहीं है। उसका कारण क्या है? कारण क्या है, हम लोग जब से फीडिंग हम लोग को जब से शुरू हुआ स्पून फीडिंग, बच्चा लोग जब खिला जाता है बच्चा लोग, उसी समय से डेविएशन हमारे अंदर डाल दिया जा रहा है। हमारा फैमिली कल्चर खत्म कर दिया जा रहा है, हमारा अपना चीज को नहीं दिया जा रहा है। जैसे दूध नहीं दिया जा रहा है, सुबह उठ के शुद्ध पानी पीने का आदत नहीं है, उसमें बेपती दिया जा रहा है। ये करते 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 इन ऑल रिस्पेक्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ वी आर बीइंग डेविएटेड बाय सम फोर्स। वो फोर्स क्या है? वो फोर्स दो तरह का है हमारे अंदर। एक है सब एक्सटर्नल फोर्स है जो हम लोग को डिफीट करना चाहता है हमेशा, और दूसरा क्या है, इंटरनल फोर्स क्या है, हम लोग का वीकनेस, जो हम लोग वो जो अटैक जो कर रहा है बाहर से उसको हम लोग रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है नहीं? तो पहले तो ऐसा नहीं था। दूसरा बात है जो अभी कहा गया लिटरेसी रेट बढ़ गया, एजुकेशन नहीं बढ़ा है लिटरेसी रेट बढ़ा है। ठाकुर जी के दृष्टि में एजुकेशन अलग चीज है, लिटरेसी अलग चीज है। ज्यादा बात हम कहना ना चाहते नहीं चाहते, हम तीन चार तो एग्जाम्पल देना चाहेंगे, दो तीन चार आदमी का बात हम करना चाहते हैं जो हम लोग का इतिहास में अमर होकर रहे हैं। सबसे बात पड़ा बात है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उनका जीवन ही आप लोग पढ़िएगा, उनका अक्षर परिचय भी नहीं था, लेकिन वो जीवन में कहां से कहां पहुंचे, कितना बड़ा साम्राज्य का प्रतिष्ठक है, वो कैसे हो सका? जिनको सुनते हैं पैसा गिनने का भी तरीका ठीक से पता नहीं था। तो जो चीज जो इनपुट एक आदमी को कुछ नहीं से इतना बड़ा आदमी बना देता है, वो क्या शिक्षा नहीं है क्या? अगर शिक्षा है तो क्या शिक्षा है, उसको खोजना पड़ेगा हम लोग को। हो गया। दूसरा बात है शाहिनशाह अकबर के बारे में कहा जाता है, वो भी लिखा पढ़ा थे तो दूर रहते थे, लेकिन वो 50 साल भारतवर्ष को शासन किए हैं। उनका एक तो हेरिटेज फैक्टर था, मुगल साम्राज्य सम्राट का राजा का बेटा था शिवाजी, तो तब भी नहीं थे कुछ। जो चीज अकबर के पास नहीं था शिवाजी के पास था, वो क्या? अटैचमेंट टू द गुरु। गुरु मतलब जिससे हम सीखते हैं, गुरु विल डिसाइड क्या सिखाया जाता है, कौन शिक्षा असली शिक्षा है। गुरु ही कहते हैं देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिटरेशन एंड एजुकेशन। इनेट जो क्वालिटीज है, जो हेरिटरी ट्रेजर के हिसाब से हमको मिला है, उसको पालन पोषण दे के उसका बाहर निकालना एजुकेशन होता है, और ऊपर से कुछ इम्पोज दे के करना जो है जिससे बाहर का चीज से ज्यादा संबंध नहीं है, वो होता है एजुकेशन। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक बंदर को हमको सिखाया, चिड़िया को बात करना सिखाया जाता है, सीख लेता है, लेकिन उसको जो बिल्ली पकड़ेगा तो ओरिजिनल वॉइस निकलेगा, ठीक है नहीं? तो इम्पोज क्या हुआ जो चीज होता है वो इन द रियल मोमेंट ऑफ लाइफ काम नहीं करता। आज जो अंदर में इम्प्रिंट हो जाता है ड्यू टू सम रीजन, रीजन क्या है, एक तो प्राइमरी रीजन हम लोग कहते हैं, ठाकुर जी भी कहते हैं, जो अटैचमेंट टुवर्ड्स द गुरु, गुरु से लगाव, गुरु के ऊपर भक्ति, गुरु के साथ प्रेम, ये जो चीज है, ये इसके माध्यम से जो कुछ भी सीखा जाता है वो परमानेंट हो जाता है, ठीक है ना? इसीलिए हम लोग का बचपन में से जो शिक्षा व्यवस्था हम लोग था, देखिए क्या था, एकदम इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ उनको गुरु के पास भेजा जाता था, जिसको कहता था ब्रह्मचर्य आश्रम। माँ बाप से लेके जाके गुरु के पास दिया जाता था, माँ बाप से जन्म होता, माँ बाप ही गुरु ही है, लेकिन माँ बाप के पास ऑलराउंड नॉलेज नहीं रहता है,
प्राइमरीली एक तो नॉलेज हम कहते हैं स्टार्ट विथ नॉट टू डिस्कस इन डिटेल स्पिरिचुअल नॉलेज, वो माँ बाप सब पिता माता के पास नहीं जाता है, गुरु के पास जाता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पिरिचुअल नॉलेज दूसरा कुछ सब कुछ को ठीक से कंपोज किया जाता है। इसीलिए ब्रह्म का गुरु, ब्रह्म मीन्स कोई मैजिकल चीज नहीं है, ब्रह्म मीन्स द साइंस ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग, जो अल्टीमेट टारगेट ऑफ लाइफ होता है। तो साइंस ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग जो है वो गुरु जानते थे, स्पिरिचुअल गुरु जो है उनके पास बच्चे लोग को भेजा जाता था, ठीक है नहीं। तो अल्टीमेट भाई इट इज बीइंग टोल्ड दैट अल्टीमेट गोल इज बीइंग एंड बिकमिंग। इसीलिए जो कुछ भी हम लोग करें हम लोग चाहते हैं बीइंग एंड बिकमिंग, बिना बीइंग एंड बिकमिंग कुछ नहीं होता है। जैसे एजुकेशन लेके जब इतना प्रश्न उठ रहा है, कारण क्या है, डिग्री मिल रहा है, नौकरी भी मिल रहा है, सबको नहीं मिलता है, बहुत लोग को मिलता भी है, इवन देन बीइंग एंड बिकमिंग नहीं रहा है। पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द पर्सनल फैमिली लाइफ दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द सोशल लाइफ, सोशल डिस्टर्बेंस है, कहीं पर डिसिप्लिन नहीं है। मतलब हमारा इनर जो कुछ इनर जो वर्ल्ड है हमारा वो टोटली मिसमैनेज्ड है। इसीलिए हमको कहा जाता है लिटरेट नॉट एडुकेटेड, ठीक है नहीं। हम लोग बचपन में तो कहानी पढ़ते थे, उसमें कहा जाता था सिस्टम का लिटरेचर भी बहुत जगह है, जो शिक्षा लिटरेशन आदमी को मनुष्य नहीं बना सकता है। अगर मनुष्य बनता है तो शिक्षा एकेडमिक अचीवमेंट काम आता है। जैसे बहुत बड़ा डॉक्टर है, विलायत से डिग्री लेके आया है, बहुत सक्सेसफुल सर्जन है, लेकिन उसका टारगेट है कैसे मनुष्य पैसा इतना है, ठीक है नहीं। पेशेंट का इंटरेस्ट उसको प्राइमरी नहीं है, किसी तरह से उसको ले लाके पैसा उससे कैसे कितना ज्यादा, ये तो मनुष्य नहीं है। डॉक्टर है लेकिन मनुष्य नहीं है। तो हम लोग से डेविएशन तभी शुरू हुआ जब हम लोग मनुष्य बनना प्राइमरी है इसको भूल के एजुकेटेड बनना को गोल बना, ठीक है नहीं। तो इसको अगर ठीक करना है तो ऐसा भीषण वाला किसी का अंडर में रहना पड़ेगा जो पहले से ही, जैसे टेलीस्कोप बाइनोकुलर क्या है, उसका इतना क्या है, दूर का चीज को जल्दी देख लेता है, पहले नजदीक करके देख ले सकता है। वैसे ही भीषण वाला आदमी है सिया, जिसको ऋषि कहा जाता है, उनके अंडर में अगर हम लोग कुछ सीखे, उनका गाइडेंस में अगर चले हम लोग, तो कैसे शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा के पथ में कौन कौन बाधा विघ्न आ सकता है, शिक्षा कौन चीज को लेकर चलना पड़ेगा, और शिक्षा जो देगा वो गुरु का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। गुरु मीन स्पिरिचुअल गुरु ही है। इवन देन हम लोग जहां से भी कुछ सीखते हैं वो भी गुरु है। जो हमको मैथ सिखाता है मैथ का गुरु है, जो हमको तबला सिखाता है वो भी तबला का गुरु है। आजकल का ट्रेंड क्या हुआ है, गुरु चीज को लोग मानना नहीं चाहता है, गुरु सुनने से ही डेविएशन हो गई, हेट करते सर। इसके लिए दोनों साइड का जरूरत है, एक है वैसा गुरु देखता ही नहीं, लोग नहीं देखा है, ठीक है नहीं। गुरु नाम के सब ठग बिजनेसमैन लटपट करने वाला आदमी ज्यादा है, वो लोग क्या करता है, लोभ देकर एल्यूर करता है मनुष्य को, एल्यूरमेंट दे के उसको पकड़ के फिर एक्सटर्ट करना शुरू करता है। वो देखते देखते सब डर गया लोग, ठीक है नहीं। और कौन लोग कौन आदमी सही तरह का सही रूप से गुरु नहीं है, उसका एक तो बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है, आप लोग ख्याल करिएगा, जो लोग जो भी जो चीज के ऊपर डिमांड करता है वो उसके लिए योग्य नहीं है। ये वीडियो सम्पूर्ण देखार जन्नो एवं ये सम्बन्धीय आरो अन्यान्य वीडियो देखार जन्नो यूट्यूबे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चैनल सबस्क्राइब करुन। वीडियो लाइक करुन, शेयर करुन, केमन लागलो कमेंटर माध्यमे आमादेरके जानान। जय गुरु।